Hello friends, once again, after a long time I am making this video now. So today I am going to be showing you how to work on any Epson printer without modifications. So without modifications, aap usko roll to roll ke liye kaise use kar sakte ho. So aapke samne abhi jo printers hai, these are sheet fed printers. This is also a sheet fed Epson printer, Epson 1800. Okay. सो इसमें एक बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ कि मॉड्यूल के साथ जो प्रिंटर आते हैं रिवर्स फॉरवर्ड मॉड्यूल, उसमें आप क्या कर सकते हो जो इसमें आप नहीं कर सकते हो. सो नहीं की बात पहले करेंगे. सो मैं अभी शुरू करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये काम करता है. आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रोल स्टैंड की, जिससे आप रोल फीड कर पाओ. जब भी आपके पास प्रोडक्शन काम नहीं है, वेन एवर यू डोंट हैव एनी प्रोडक्शन वर्क टू डू, यू कैन यूज इट फॉर ऑन अ शीट मोड लाइक दिस. ये जैसे शीट मोड पे चल रहा है, वैसे इसको शीट मोड पे यूज कर सकते हैं. यू कैन सी ये ओल्ड प्रिंटर्स है, इस पर कोई भी मॉडिफिकेशन किया नहीं है हमने. अलॉन्ग विथ रोल प्रिंटर यू विल बी नीडिंग सच काइंड ऑफ बेड विथ ग्लास प्लेटफॉर्म, कि जैसे ही शीट बाहर आ जाए आप उसको पॉज करके यहाँ पर कट कर पाओ. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद जिग रोल. मैं ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ. सो हियर इज आवर सॉफ्टवेयर जिग रोल, एन अपडेटेड वर्जन ऑफ एसपी रोल. यू कैन सी जहाँ पर आपको ऑप्शंस है, शेक हेड, क्लीनिंग, प्रिंटर सेटअप, लोड रोल, इजेक्ट टू कट. वो क्या है मैं एक एक करके आपको अभी बता देता हूँ. सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिंटर, आपको पहले रोल फीड करना पड़ता है. अगर आपको रोल का काम नहीं करना है, यू कैन स्टिल यूज इट ऑन अ शीट प्रिंटर जो आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो आप लोगे. ओके, मैं यहां पर प्रिंटर ऐड करूंगा अभी. जैसे मैंने लोड रोल पे क्लिक किया, प्रिंटर ने एक शीट अंदर ले लिया. ओके, अभी आपको इसी शीट के ऊपर पेपर इंसर्ट करना है, रोल इंसर्ट करना है. इसके ऊपर मैंने रोल इंसर्ट कर दिया है और ये रोल ऑटोमेटिकली प्रिंटर अंदर खींच लेता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, जैसे लोड रोल किया मैंने, मैं 5 सेंटीमीटर के लिए रोल अंदर इजेक्ट कर रहा हूँ. ओके, अपना रोल अभी 5 सेंटीमीटर के लिए मैं इजेक्ट जैसे कर रहा हूँ, देखिए ये रोल को आगे खींच रहा है. नाउ यू कैन सी हमारा रोल अंदर आ चुका है. ये मैंने एडिशनल शीट्स लगाई थी. शीट फेड का फीडिंग करते वक्त आपको ये दिक्कत आती है कि शीट फेड होता नहीं है ठीक से. सो राइट नाउ माई रोल इज इन साइड द प्रिंटर. अभी वॉट आई डू, ये कैसे रोल टू रोल पे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ. ओके, आवर रोल इज ऑलरेडी इंसर्टेड. मैं एक्रोरिप में आया हूँ. एक्रोरिप में अभी मैं आपको मल्टीपल जॉब्स करने हैं मुझे, इसलिए मैं छोटे छोटे जॉब्स इस पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम. थोड़ी सी अनक्लियर थी वीडियो, इसलिए मैं वापस बना रहा हूँ इसको. सी, मैंने यहाँ पर 3 जॉब्स प्रिंटर में ऐड कर दिए हैं. ये 1, 2, 3 ये छोटे छोटे जॉब जानबूझ के मैंने इसमें डाले हैं कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये कैसे फंक्शन करता है. मैं और एक जॉब इसमें ऐड कर देता हूँ. ओके, से फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया है जिग रोल. आई एम हिटिंग ऑन प्रिंट. ओके, जैसे ही मैं प्रिंट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी देर आर 3 जॉब्स राइट नाउ जो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए थे प्रिंटर में. ओके, तो जैसे ही वो जॉब रिप हो जाए, वो जॉब आपको मिल जाएगी जिग रोल में. ओके, ये जॉब जिग रोल में आ चुकी है.
ऑलरेडी यहाँ पर जिग रोल से मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ। जिग रोल में ऑलरेडी दो प्रिंट्स मेरी आ चुकी है। ओके, दिस इज अ थर्ड प्रिंट आई हैव एडेड। सो ये फिफ्थ वन द फाइल विद द नेम फाइल डिफॉल्ट मैनुअल फाइल। सो यू कैन ऑल्सो रीनेम दीज जॉब्स एंड कीप इट रिप्ड ऑन दिस प्रिंटर। तो जैसे ही वो जॉब ख़त्म हो जाए मैं यहाँ पर ये जॉब, जो भी जॉब आपको यहाँ से इसमें से जो भी फाइल आपको प्रिंट करनी है, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट प्रिंटिंग दैट फाइल। ओके, आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल अबाउट दीज बेड्स। तो लोग कन्वर्ट तो कर लेते हैं मशीन्स, और ये प्रिंट 1000-1200 रुपये की चीज़ है जो बाय नहीं करते, बट ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पूरी क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है कि आपका स्क्रैच नहीं आ रहा है, कितना पेपर फ्लैट बाहर आ रहा है, ये पूरा इस पे डिपेंड करता है। सो ये ऐसे ही कुछ बिना साइज का नहीं बना हुआ है, ये इसके ऊपर काम करके इसको बनाया है। देर इज़ अ ग्लास ऑन द टॉप ऑफ इट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पॉज द प्रिंट एंड कट द शीट इफ़ यू वॉन्ट टू कट इट इन बिटवीन। तो आइदर वो पूरा बाहर आ जाने दीजिए और कट कीजिए, अदरवाइज यू कैन कट इट वेर एवर यू वॉन्ट टू। यू कैन सी रोल भी ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है। सो यस, अगेन आई टेल यू कि ये प्रिंटर किस कैसे काम करेगा, ये विद द सॉफ्टवेयर अटैचमेंट, हाउ सॉफ्टवेयर एंड रोल फीड अटैचमेंट, हाउ विल इट वर्क। सो इन द मॉर्निंग आई शोड यू हाउ टू फीड द पेपर। सो इतना पेपर आपका हर रोज वेस्ट जाने वाला है, यू डोंट हैव ऑप्शन टू दिस। और व्हाट यू कैन डू इज आप पेपर इसको आगे से चिपका के जितना हो सके उतना वेस्टेज कम कर सकते हो। ओके, तो इस प्रिंटर में, इस रोल टू रोल रोल प्रिंटर में यू डोंट हैव बटन्स टू टेक द पेपर आउट और टेक द पेपर इन। सो इसमें आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पेपर इजेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू इंसर्ट द पेपर इनसाइड अगेन। रोल रिवाइंड करने का ऑप्शन आपको इसमें नहीं है, उसके लिए आपको मॉडिफाइड प्रिंटर खरीदना ही पड़ेगा। बट इफ यू हैव कंटिन्यूस जॉब, दिन भर आपका प्रिंटर चलता है, नॉन स्टॉप काम करना है, तो दिस मच वेस्टेज इज इनफ। इतना वेस्टेज तो हम लोग शीट में कर ही देते हैं, हर एक शीट में करते हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपका हर एक शीट में तो वेस्ट नहीं जा रहा है। सो ये दो जॉब ऑलरेडी प्रिंट होके प्रिंटर रुक चुका है, मैं अभी थर्ड जॉब इसमें ऐड कर रहा हूँ और स्टार्ट जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। एज सून एज आई हिट ऑन स्टार्ट जॉब, इसने नेक्स्ट जॉब शुरू कर दी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आपका नॉन स्टॉप प्रिंटिंग है, आपको पता है, तो डोंट गो फॉर रोल टू रोल मॉडिफिकेशंस। जस्ट आपका जो भी प्रिंटर है अभी का, उसी में आप सॉफ्टवेयर ऐड कर दो, एक रोल स्टैंड ऐड कर दो, आप रोल टू रोल पे रोल प्रिंटिंग शुरू कर पाओगे। अभी रोल प्रिंटिंग क्यों करना है? सो रोल और शीट की कॉस्ट में लगभग 30-40% का फर्क आता है। सो रोल प्रिंट आपको कभी भी, इट्स अ चीपर ऑप्शन ऑलवेज, एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर शीट्स। शीट इन फीडिंग का इशू आपको नहीं आएगा। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू यूज रोल। बट मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ये उनके लिए है जिसके पास जॉब्स कंटिन्यूसली है। तो इफ यू हैव, दिन भर आपका प्रिंटर चलने वाला है, यू क्लोज योर आइज एंड गो विद दिस सॉफ्टवेयर एंड फीडर असेंबली। इन द सेम सॉफ्टवेयर होता है कि आपको हेड शेक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो यू कैन शेक योर हेड, डैम्पर में जो इंक है उसको शेक करना है आपको, तो यू हैव ऑप्शन हियर, यू कैन शेक दैट हेड फॉर 50 times, 20 times, whatever it is. You can see continuously it is printing roll. I'm again telling you, this is not modified for roll, but still with the software and feeder assembly, you can print roll on any Epson printer, any damn Epson printer. Let it be sublimation, let it be DTG, let it be DTF, whatever it is, you can print roll on your Epson software, Epson printer, sorry. Good thing with this 1800 is you can work it as a sheet printer, work on it as a sheet printer as well as roll printer. So not necessarily ki har roz aapke paas 50 job hai, non-stop feeding hai,
यू दैट टाइम आप यूज करो इसको शीट की तरह, अदरवाइज यूज इट एज अ रोल. सो दिस इज वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज. यू कैन सी थर्ड प्रिंट भी इसने कर दिया है. सो कंटिन्यूसली यू कैन डू इट. यू कैन पॉज द जॉब फ्रॉम हियर. मैंने अभी देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये जॉब यहाँ पर पॉज कर दी है. ओके, मैंने ये जॉब पॉज कर दी. तो वंस आई पॉज इट, आई कैन जस्ट कट इट. नाउ ये जॉब पॉज हो चुकी है, मैं यहाँ पर सीधा ब्लेड लेके इसको कट कर सकता हूँ. अगेन आई एम कमिंग डाउन टू द प्रिंटर. अगेन आई एम रिज्यूमिंग. जॉब रिज्यूम हो चुका है. सो ये नॉन स्टॉप आप इस पे काम कर सकते हो. दैट्स इट. थैंक यू. इफ यू लाइक, डू सब्सक्राइब, शेयर विद पीपल. एंड येस, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वॉट दैट एक्चुअली वर्क्स. दिस इज नॉट जस्ट एडिशन और नॉट जस्ट अ थिंग टू सेल. दिस एक्चुअली वर्क्स. आपको अगर इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो यू कैन कम डाउन टू माई ऑफिस एनी टाइम यू वॉन्ट. एंड आई कैन शो यू हाउ आई कैन प्रिंट एट लीस्ट हाफ ऑफ द रोल नॉन स्टॉप विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वेस्टेज. जस्ट दिस मच wastage in the morning. That's it. Thank you.